हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास का टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस क्या है व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस इज़ अ डिवाइस डेट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर देन कन्वर्ट्स दैट डेटा इनटू अ ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म ऑडियो और हार्ड कॉपी एक्सेट्रा एंड गिफ्ट इट टू दूजर सो डैट द यूज़र कैन सी द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर अब इसका मीनिंग ये है कि जो आउटपुट डिवाइस है वो वो डिवाइस है जो कि डेटा रिसीव करता है कम्प्यूटर से और उस डेटा को वो कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म में चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो या हार्ड कापी की फॉर्म में हो और उस डेटा को जो कंप्यूटर को दे देता है सो डैट ताकि जो यूज़र कैन सी द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर ताकि यूज़र देख सके जो आउटपुट कंप्यूटर ने दी है आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं इस क्लास में मैं आपके साथ फाइव आउटपुट डिवाइस डिस्कस करूंगी। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। मोनिटर, प्रिंटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर हेडफ़ोन्स। इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है मोनिटर। द डिवाइस विच डिस्प्ले ऑल द आइकन्स टेक्स इमेजेस एक्सेट्रा ओवर अ स्क्रीन इज कॉल्ड द मोनीटर वो डिवाइस जो सारी चीज़ें डिस्प्ले करा रहा हो आइकन्स को टेक्स को इमेजेस को एक्सेट्रा ओवर अ स्क्रीन एक स्क्रीन के ऊपर उसे हम कहेंगे मोनीटर वेन वी आज द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन एक्शन द रिजल्ट ऑफ डैट एक्शन इज डिस्प्ले ऑन द मोनीटर जब हम कंप्यूटर को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं तो उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो कहाँ डिस्प्ले होता है मोनीटर पर मोनीटर इज अ कॉमन आउटपुट डिवाइस डेट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल द मोर पिक्सल इनसाइड द मोनीटर द पिक्चर क्वालिटी विल बी बेटर मोनीटर एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है डेट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स की फॉर्म में द मोर पिक्सल इन साइड द मोनीटर जितनी ज़्यादा पिक्सल्स मोनीटर के अंदर होगी द पिक्चर क्वालिटी विल बी बैटर उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी बेटर होगी तो मोनीटर क्या है वो डिवाइस जो सारी चीज़ों को डिस्प्ले कराता है स्क्रीन के ऊपर चाहे वो आइकन्स हो टेक्स हो इमेज हो जब भी हम कंप्यूटर को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहेंगे तो उसका रिजल्ट भी कहाँ आता है मोनीटर के ऊपर मोनीटर जो है जो डिस्प्ले करा रहा है इन्फॉर्मेशन वो एक पिक्सल्स की फॉर्म में होता है और जितनी ज़्यादा पिक्सल होगी उतना ज़्यादा बेटर हमें पिक्चर क्वालिटी होएगी तो so डैट इज़ मोनीटर नेक्स्ट अब मैं आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करूँगी सेकेंड इज़ प्रिंटर के बारे में प्रिंटर क्या है प्रिंटर इज़ यूज़ टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन दी पेपर प्रिंटर का हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रिंट होती है पेपर के ऊपर प्रिंटर इज़ यूज़ टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स प्रिंटर्स के दो टाइप्स होते हैं पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर्स सेकेंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नेक्स्ट है मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट विच कैन सर्व डिफरेंट पर्पसेस मार्केट के अंदर अलग अलग प्रिंटर अवेलेबल है विच कैन सर्व डिफरेंट पर्पस जो अलग अलग पर्पस को सर्व करता है विद दी हेल्प ऑफ प्रिंटर वी कैन प्रिंट ब्लैक वाइट एंड कलर्ड टेक्स और फोटोज़ प्रिंटर्स की हेल्प से मैं ब्लैक एंड वाइट अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्रिंट हो सकती है अगर कलर्ड वे में चाहिए तो वो भी मिल सकती है तो प्रिंटर क्या हुआ तो प्रिंटर जो है प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत सारे प्रिंटर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है जो हर एक पर्पज़ को डिफरेंट सर्व करता है प्रिंटर की हेल्प से अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट फोटो चाहिए या ब्लैक एंड वाइट कोई टेक्स्ट चाहिए तो वो भी प्रिंट हो सकता है अगर कलर चाहिए तो वो भी प्रिंट हो सकता है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करूंगी दैट इज स्पीकर्स स्पीकर कंप्यूटर स्पीकर्स आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसिस यूज विद द कंप्यूटर टू लिसन टू साउंड अब कंप्यूटर स्पीकर्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं साउंड को सुनने के लिए आवाज़ को सुनने के लिए कंप्यूटर स्पीकर्स आर द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस यूज विद द कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर के साथ यूज़ किया जाता है टू लिसन टू साउंड आवाज़ को सुनने के लिए स्पीकर्स आर अटैच विद द कंप्यूटर सिस्टम विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी स्पीकर्स आर नाउ अवेलेबल विच आर वायरलेस and can be connected using Bluetooth or other applications. Speakers जो है वो attach होते हैं computer system के साथ. With the advancement in the technology, अब जैसे-जैसे technology advance हो रही है, speakers जो है वो market में वो available हो गए हैं जो कि wireless हैं. और जैसे हम connect कर सकते हैं या तो Bluetooth की help से या किसी other applications की help से. तो speaker क्या क्या role हुआ? Speaker जो है वो आवाज को सुनने के लिए हम use करते हैं. स्पीकर्स हम कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है अब वायरलेस स्पीकर्स भी यूज़ हो रहे हैं और वायरलेस स्पीकर्स को हम यूज़ कर सकते हैं या तो ब्लूटूथ की हेल्प से या किसी अदर एप्लीकेशन की हेल्प से नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स कंप्यूटर प्रोड्यूस इमेजेस एंड प्रेजेंट दैम ऑन टू अ स्क्रीन और सरफेस कॉल्ड अ प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर वो आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस इमेज़स को लेता है और उसे प्रेजेंट कर देता है या तो एक स्क्रीन के ऊपर या सरफेस के ऊपर उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं ज़्यादातर हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर क्लासरूम के अंदर ऑडिटोरियम्स में एंड मूवी थिएटर्स में फॉर द डिस्प्ले ऑफ़ दीडियोज़ वीडियोज़ को दिखाने के लिए तो प्रोजेक्टर क्या है प्रोजेक्टर कंप्यूटर प्रोड्यूस इमेजेस को लेता है और उसे एक स्क्रीन पे शो कर देता है उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली हम क्लासरूम्स में ऑफिसिस में ऑडिटोरियम्स में हम इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे दैट इज हेडफोन्स हेडफोन्स ऑल्सो नॉन एज एयरफोन्स और हेडसेट हेडफोन्स को हम ईयरफोन्स भी कह सकते हैं और हेडसेट भी कह सकते हैं दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ स्पीकर द ओनली डिफरेंस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड अब हेडफोन्स भी सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है जैसे स्पीकर करता था साउंड को सुनने के लिए लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड में डिफरेंस है यूजिंग स्पीकर द साउंड कैन बी हेअर्ड ओवर अ लार्जर एरिया एंड यूजिंग हेडफोन्स द साउंड इज़ ओनली ऑडिबल टू द पर्सन यूजिंग दैम स्पीकर की हेल्प से हमें साउंड सुनाई देगी लार्जर एरिया में लेकिन हेडफोन की हेल्प से साउंड उसी पर्सन को सुनाई दे सकती है जो पर्सन इसे यूज़ कर रहा है हेडफोन्स क्या हेडफोन को हम एयरफोन्स भी कह सकते हैं और हेडसेट भी कहते हैं दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ स्पीकर लेकिन डिफ्रेंस कहाँ आता है वह है फ्रीकुन्सी ऑफ साउंड में तो ये फाइव आउटपुट डिवाइसेस थे अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग